गर्मी के वजह से लगातार आग लगी की जो घटना सामने आ रही है उसमें कई चीज़ें बर्बाद हो रही है, लेकिन आज छपरा में एक बड़ी घटना होते होते बच गई। मामला पूरा तरैया का है, जहां तरैया के मुरलीपुर के एक निजी स्कूल के वैन में अचानक आग लग गई और उस आग में तकरीबन दर्जनों बच्चे मौजूद थे जब आग लगी, लेकिन ड्राइवर के सूझबूझ से बच्चों को तत्काल ही निकाल लिया गया और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हम आपको बताएं कि मुरलीपुर के एक स्कूल से बच्चों को घर छोड़ने के लिए स्कूली वैन जा रही थी, तभी अचानक से इंजन की तरफ से ड्राइवर को आग की लपटें देखी और उन्होंने तुरंत ही गाड़ी को रोक करके और बच्चों के लिए गेट खोले। जैसे ही गेट खुला कि बच्चे अपनी जान की सलामती को देखते हुए गाड़ी से कूद कर और भागने लगे, जिस वजह से उनका बस्ता, टिफिन और अन्य जो भी सामान थी गाड़ी में जलकर राख हो गई। फिर स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दी गई, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई मौके पर, उसके बाद आग को बुझाया गया और काफ़ी संख्या में लोग वहां पे मौजूद होकर इस घटना को देख रहे थे। और लोगों में एक भय भी है कि जब भी ऐसी कोई गाड़ियां हो या स्कूल वैन हो या जो भी है, उसमें जो फायर सेफ्टी होती है उसका होना ज़रूरी है। अगर तत्काल ही फायर सेफ्टी उस वैन में होती और रोक लिया गया होता तो शायद ये भी घटना जो इतनी बड़ी हुई है वो ना होती। और वैसे भी स्कूल जो निजी स्कूल का संचालन करते हैं और जो गाड़ियों में बच्चों को भर के ले जाते हैं, उनके लिए कम से कम स्कूल वैनों में सेफ्टी जो फायर है वो होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे देश के जो आधार हैं जो बच्चे, वो सुरक्षित हो सकें। छपरा से DND न्यूज़ के लिए विपिन कुमार मिश्रा। DND न्यूज़ के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।